लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो अमेरिका गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पर भारत में जो राजस्थान की सरकार जब कांग्रेस की थी तब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात उन्होंने की और कानून भी लाया भारत में यूनिवर्सल हेल्थ जो कि कंपलसरी और कॉमन हेल्थ की जो बात है, जो ये मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है आम आदमी का। तो अध्यक्ष महोदय, फंडामेंटल राइट पे जीएसटी, जिसको हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता गडकरी साहब ने लिखा भी है कि जीएसटी पर जो बीमा है उस पर यदि उसके सामान पर जिन चीज़ों पर यदि आप इतनी जीएसटी, आयुर्वेदी पर 15% लगाएंगे और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में, लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय कि जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती है और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए MR हैं, बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना, मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं, क्या देते हैं, उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरा 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन्य कंट्री की स्थिति देख लीजिए महोदय, जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है, नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहाँ के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। और जो दवाई वर्ल्ड में हमें नहीं, हम अब विश्व में वही अध्यक्ष महोदय बात तो कर, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट कर दिया, या बोलने दी माल, अरे भैया हम बोलने दो, जो दवाई वर्ल्ड ने नेगलेक्ट, वो पप्पू भाई एक बात कह दूं, आज पूरी दुनिया में अगर फार्मा में या फार्मास्यूटिकल में आप करीब 40% तक पहुंच गए, तो अगर इस तरह से कहें कि हमारी दवाएं हैं, नहीं, इस तरह से अपने देश की दवाओं का, नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, वही आप तो यू शुड फील प्राउड कि सभापति महोदय कहीं जो क्वालिटी, सभापति महोदय मैं वही, ठीक बात है, मैंने फार्मा की तो बात की, लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर नहीं लिखते हैं, मैंने कहा, मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन कंट्री में बैंड कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। मैं दूसरी तीसरी बात करना चाहता हूं कि जैसे प्राइवेट है डॉक्टर, मैं सिर्फ प्राइवेट पढ़ाऊंगा, प्राइवेट फीस कब कितना लेगा, 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को, 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता, ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, जांच, 3,800-4,000-12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। 300 रुपया देने वाला किसी भी, आप उठा करके देखिए मैडम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है सभापति महोदय, वो क्या कहता है? वो कहता है, बात को संक्षिप्त सर, मैं अपनी बात, इसीलिए दिक्कत होता है कि वो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि नहीं जांच तुम मेरे यहाँ कराओ, जांच मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ कराओ, उसके बाद मैं मान्यता दूंगा। जो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करता है, जो डॉक्टर नहीं है उसको खोल के और जांच में गलत तरीके से जांच दे देता है, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं जांच गलत देता है, पैथोलॉजी जांच गलत देता है और डॉक्टर दवाई बेचने के लिए ये करते हैं। मेरा आग्रह है, जो नर्सिंग होम डॉक्टर के नहीं है, कोई पप्पू यादव ने खोल लिया, ABCDZ माफिया ने खोल लिया और डॉक्टर का नाम देकर के वो नर्सिंग होम चला रहा है, क्यों चलाएगा? उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? बिहार सरकार रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाती है? MP का उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? तो मेरा आग्रह है इतना ही कि कम से कम फीस तय हो, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन आप कर रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र का, एक मिनट में बोल के, चार मिनट, मैं अपने क्षेत्र, आपका नाम है, मैं अपने क्षेत्र का बोल के, बिहार कोसी सीमांचल पूर्णिया जिले के लिए कोसी सीमांचल में, मैं एक एम्स की बात, पूर्णिया जिले में कैंसर
सीमांचल मुख्यालय पूर्णिया में बर्न अस्पताल, सीमांचल क्षेत्र में जिला मुख्यालय पूर्णिया में कैंसर अस्पताल, कोसी जिला मुख्यालय सहरसा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, कोसी कमिश्नरी जिला मुख्यालय सहरसा में ट्रामा सेंटर और बिहार पूर्णिया जिला। आ गई बात, आपकी बात आ गई। मैं लास्ट कर रहा हूँ। मेरा आग्रह ये है कि निजी नर्सिंग होम पे और फीस पे, जांच पे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन लगे उसका तय हो, अन्यथा किसी भी कीमत पर जितना बजट ले आइए कुछ नहीं होने वाला है। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।